हार्ट पेशेंट्स जो है या फिर हार्ट अटैक सर्वाइवर्स जो हैं उनके क्षेत्र में एक रिसर्च हुआ था जहां देखा गया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स जो लोग रेगुलर ओमेगा एवरीडे ले रहे थे, ओमेगा 3 ले रहे थे, उनके चांसेस ऑफ अनदर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक वर मिनिमाइज्ड बाय 50%। तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वाइटल इट इज़ फॉर हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा इज़ अ ब्लेसिंग, ओमेगा 3 इज़ अ ब्लेसिंग। तो अगर एक पर्सन रेगुलर इसको अपना डाइट में इंक्लूड कर सके तो उसके जो रिस्क फैक्टर्स है हार्ट को लेके, इनफैक्ट ब्रेन को लेके, जहाँ इस फैट का एक मेजर रोल प्ले है, वो बहुत सा मिनिमाइज्ड हो जाता है। ओमेगा 3 के मल्टीपल बेनिफिट्स जानने के बाद डेफिनेटली ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है कि अगर हार्ट को हेल्दी रखना है, अगर ब्रेन को हेल्दी रखना है, अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है, तो इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आर डाइट। लेकिन डेफिनेटली हम लोग को ये कॉशन लेना पड़ेगा कि फार्म सोर्सेज से हम लोग ये लें, जिससे हम लोगों का सी फूड कंटेमिनेशन का जो फैक्टर है वो हम लोगों का वहाँ से कोई पॉइजन मतलब सोर्स नहीं लेंगे हम लोग। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको अगर हम लोग कंटिन्यू लें, एवरी डे अपना डाइट में इंक्लूड करें, तो एज़ रिसर्चेज आर शोइंग कि हम जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज का जो चांसेस है, बीट हार्ट डिजीज, बीट स्ट्रोक, बीट अदर रिलेटेड फैक्टर्स जो है, तो फिर वो मिनिमाइज हो जाता है एज मच एज 50%। तो लेट अस ऑल हैव अ हेल्दी लाइफ। वी विल अगेन कम बैक विद अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।